नमस्कार दोस्तों, ऑटोमोटिव अवेयरनेस बाय वैभव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स या लोड लिमिटर सीट बेल्ट्स क्या होती हैं उसके बारे में। अब आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा मेरे मुंह से ही या फिर मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर कि हम जब बात कर रहे थे सेफ्टी फीचर्स के अंदर, तो एक सीट बेल्ट का ऑप्शन उसमें आ रहा था। प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स जो आती हैं, फ्रंट सीट बेल्ट्स प्री टेंशनर हैं या लोड लिमिटर हैं, तो ये फीचर क्या है और किस तरीके से वर्क करता है या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि पूरे तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं हमारे ECU मॉड्यूल से। नॉर्मल सीट बेल्ट की ऐसे ही रहती हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ। नॉर्मल सीट बेल्ट जिस तरीके से वर्क करती हैं उस तरीके से इनका वर्किंग होता है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस जो आपके बी पिलर्स होते हैं गाड़ी के, उनके अंदर एक मॉड्यूल फिक्स होता है या उनके अंदर एक सेंसर फिट होता है जो आपके मॉड्यूल से कनेक्ट होता है, ECU जिसको हम कहते हैं। अब जब भी आपकी गाड़ी कहीं कोलाइड होती है और उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी गाड़ी कोलाइड हो रही है और हम सडनली आगे की तरफ जाते हैं, जो कि इनर्शिया होता है एज यूजुअल। अब उस तरीके उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग गाड़ी कोलाइड हो गई और हम एकदम से सडन अगर आगे की तरफ जाते हैं, तो एयरबैग खुलने से पहले ही हम लैंड कर जाते हैं। और वो जब एयरबैग ओपन होता है तो हमारे फेस पर ही ब्लास्ट हो जाता है या हमारी चेस्ट पर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है या फिर हम कहें उनको भी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो अब जो सेफ्टी फीचर्स के अंदर इन्होंने एक प्री टेंशनर जो अभी कनेक्ट किया है या ऐड किया है जिसको हम कह सकते हैं, तो वो इसलिए कि वो कनेक्ट होता है आपके एयरबैग के साथ, एयरबैग के सेंसर्स के साथ। अब ये वर्किंग किस तरीके से करता है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी कोलाइड हो गई और कोलाइड होने के बाद आपके जो ECU को आपका कमांड मिलेगा कि गाड़ी कोलाइड हो गई है, एयरबैग ओपन करना है। अब जब एयरबैग ओपन करने के लिए कमांड दिया जाता है इन्फ्लेटर को, इन्फ्लेटर माउंट होता है आपके स्टेयरिंग के पीछे की तरफ। अब इन्फ्लेटर आपका इसको ओपन करेगा, एयरबैग्स को ओपन करेगा, और जब वो ओपन हो रहे होंगे उस टाइम पर प्री टेंशनर सीट बेल्ट क्या करेंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ। या तो इस तरीके से, तो जब हम आगे की तरफ जाएंगे इस तरीके से, जब हमारी सीट बेल्ट हमें आगे की तरफ लेके जाएंगी या हमारा जो वेट होगा जो हमें आगे की तरफ खींचेगा, उस टाइम पे प्री टेंशनर सीट बेल्ट का काम होता है हमें पीछे की तरफ खींचने का। मतलब कि आपकी जो सीट बेल्ट है वो रिवर्सली काम करेंगी, पीछे की तरफ को खींच के रखेंगी जब तक एयरबैग प्रॉपरली ओपन नहीं हो जाता है। उसके बाद जैसे ही एयरबैग पूरा इन्फ्लेटर के थ्रू एयरबैग पूरा ओपन हो जाता है, उसके बाद लोड लिमिटर का काम आता है। लोड लिमिटर क्या करता है, आपके वेट को मेजर कर लेता है या एडजस्ट करके मेजर कर लेगा एक तरीके से, और उसके बाद आपको वो स्लोली इस तरीके से लैंड कराएगा, सेफली लैंड करवाएगा आपके एयरबैग के ऊपर, जिससे आपको चोट नहीं आएगी। आप एयरबैग ओपन होने के बाद ही आप लैंड करेंगे, उससे पहले आप लैंड नहीं करेंगे। ये कंडीशन होती है, इस तरीके से काम करता है, ये कंडीशन होता है पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया हम बात करें उस तरीके पूरा इनर्शिया जिस तरीके से आपको लैंड करवाएगा, जो भी पुलिस पे फोर्स अप्लाई होती है। छोटी सी साइंस से ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि सीट बेल्ट के क्या फ़ायदे हैं, ये तो हमें पहले भी पता थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो उनके साथ और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि उन्हें तो पता भी नहीं चलता है कि एयरबैग आपका इन्फ्लेट होने वाला, उससे पहले ही वो उस पर लैंड कर जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है और काफ़ी लोगों की तो इसमें डेथ भी हो गई है। तो इसीलिए हमें प्री टेंशनर सीट बेल्ट लिया था। अब लोड लिमिटर हर गाड़ी के अंदर नहीं आता, लेकिन प्री टेंशनर आजकल मोस्टली सारी गाड़ीज़ सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं अपनी गाड़ीज के टॉप वेरियंट के अंदर तो स्पेशली। और एयरबैग तो आपको पता ही है कि अभी नेसेसरी हो गया है सबकी, सब बेस मॉडल से ही दे ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये हो गया। अब हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन गाड़ियों में एयरबैग है उनमें प्री टेंशनर सीट बेल्ट ज़रूरी है कि वहीं उसमें हो ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली टॉप वेरिएंट्स के अंदर ही प्री टेंशनर सीट बेल्ट्स फ्रंट की दी जा रही हैं अभी तक। यह तो आप अपने सीट बेल्ट्स को भी पहनिए, ध्यान रखिए उनका भी, क्योंकि उनका भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया कि प्री टेंशनर और सीट बेल्ट्स और लोड लिमिटर सीट बेल्ट्स होती क्या है। लोड लिमिटर थोड़ा सा प्रीमियम कार्स के अंदर आ जाता है, लेकिन प्री टेंशनर तो आजकल ऑलमोस्ट सारी कार्स आ ही रही हैं, उन्हीं सारी कार्स में ऑफर हो ही रहा है। तो यह है, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मैं सेफ्टी फीचर्स रिव्यूज़, कार रिव्यूज़, बाइक रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ और लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक दिया हुआ है या नीचे, तो आप जाके उसे फॉलो कीजिए, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे जितने भी नेक्स्ट वीडियोस कब आने वाले हैं और कौन सा वीडियो आने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट में हो जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए।